चलेगी नहीं चलेगी, जनता कर्फ्यू नहीं चलेगी। बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो। ऑडिटरी डिपार्टमेंट मुर्दा बाप, ऑडिटरी डिपार्टमेंट मुर्दा बाप। केंद्र सरकार द्वारा बड़े जोशो खरोश के साथ बैक टू विलेज कार्यक्रम फेज 1, 2 और 3 किया गया। सबने इसे बड़ा कामयाब कार्यक्रम बताया। प्रशासनिक अधिकारी अपनी खुद ही पीठ थपथपाते नजर आए। हर जिले से एलजी प्रशासन को रिपोर्ट दी गई। बहुत कामयाब रहा, बहुत काम हुआ होगा। कई जिले के डीसीओ द्वारा अच्छा कार्य भी किया गया। हमारा प्रदेश पहाड़ी राज्य है, छोटे छोटे गांव और कस्बे दूर दराज में फैले हैं। उनकी सुध कौन ले रहा है ये पता नहीं। पंचायत चुनाव भी हुए, लोगों में उम्मीद जगी कि अब हमारे गांव में विकास होगा, लेकिन कई गांवों के लिए ये एक डरावना सपना साबित हो रहा है। ऐसा ही एक गांव जिला डोडा के तहसील भागवा का बिजरानी लोवर एक है, जहां के लोगों ने प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जितना भी पैसा जो भी सेंटर गवर्नमेंट या प्रदेश सरकार की स्कीमों के तहत आता है, उसका फायदा यहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां ऑटो स्टैंड, मिनी बस स्टैंड, सड़कें, टाइलों का काम सिर्फ कागजों पर ही पूरा हुआ है, जमीनी स्तर पर कोई काम भी नहीं हुआ। वहीं आकाश परिहार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी गरीबों को घर मुहैया कराया जाएगा, पर यहां इस गांव और इलाके में गरीबों और विधवा महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। सबका सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव वालों ने आरोप लगाया कि सारा विकास का पैसा भ्रष्टाचार और मिलीभगत की भेंट चढ़ चुका है। हम उम्मीद करते हैं डीसी डोडा डॉक्टर सागर डी राइफोर्ड से कि वो इसका खुद संज्ञान लेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं उम्मीद करते हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कि ऐसे इलाकों में जारी भ्रष्ट गतिविधियों का खुद संज्ञान लेकर गरीब जनता को उसका हक दिलाएंगे, ताकि केंद्र की योजनाएं गरीब आवाम तक पहुंच सके। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं बजारनी का रहने वाला हूं, लेकिन कोई भी काम बजारनी में नहीं बना है। जो आता है जी, इतना आया है पैसा, आया है वो कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। बल्कि जो पंचायत घर का माल आया, सामान आया, फर्नीचर है, कुर्सियां है, सब उन्होंने अपने अपने घरों में रख दी, जैसे कि उन्हीं के लिए भेजी है। पब्लिक को कोई फायदा हुआ ही नहीं। डांगो मेल न गई, घर मेल न गई, ज्यादा गवर्नमेंट में से नहीं कुन मेला छुटेगा आई, मेल न गई, सब किए आई, मेल न गई। हाँ, गरीब लोग सब का मागम असाई किए, सुना छोई न किच न का। यानी करने वाला हूँ, मैंने डंडा दिया था मगर उसका पैसा नहीं मिला अभी तक। मजदूरों को मैं क्या देऊंगा उनको, 1 लाख वहाँ से पैसा आया, अभी मिला ही नहीं, किसी ने बताया भाई मिलना नहीं मिलना, तो हम किसको बताएं, किसको पूछें हम। बैक टू विलेज में विजिटिंग ऑफिसर आए थे, आपने उनसे बताया? उनको बताया जी, हाँ जी, मगर कोई अभी तक पता नहीं लगा उस चीज का। मेरा नाम भीम सिंह है, मैं वार्ड नंबर 4 चक्रा का रहने वाला हूँ। तो हमारी ये डिमांड है, जो ये 23 लाख का जो घोटाला हुआ है पंचायत में, ये ऑर्डिनेंस का, तो इसकी CBI की तरफ से जांच की जाए, ताकि ये पता चले कि ये पैसा कहाँ इन्होंने यूज किया है। अभी कभी सुनने में आता है कहीं मारुति स्टैंड, कहीं ऑटो स्टैंड, पता नहीं क्या क्या स्टैंड बनाए इन्होंने। बाथरूम में तो बड़े स्टैंड है, मगर ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारी आप यही डिमांड है कि CBI से जांच कराए और इस पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाए तब तक। मैं आकाश परिहार, तेजस एक पहल फाउंडेशन का चेयरमैन और यहाँ बिजारनी पंचायत का रहने वाला, लोअर ए का रहने वाला हूँ। और आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हम इस पंचायत में देख रहे हैं बहुत सारी खलबली चल रही है, और इसमें जितना भी पैसा 14FC का हो, चाहे नरेगा का हो, चाहे वेंडर पेमेंट हो, हर 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 जो स्कीम्स गवर्नमेंट की है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो भी इधर बिजारनी लोअर ए में, एक एक स्कीम का भी बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो भी गरीब तबका है वो उन स्कीमों से वंचित रह रहे हैं। हमारी यही डिमांड है कि जो हमारी पंचायत में 14FC का पैसा, यहाँ पे ऑटो स्टैंड, मिनी बस स्टैंड, रोडें और क्या क्या बन चुका है, वो कागजों में बन चुका है, टाइलों का काम हो चुका है, लेकिन आप अगर ग्राउंड में देखेंगे, और आपने देखा भी होगा हमारे पंचायत लोअर ए में मिट्टी ही मिट्टी जहाँ पे हमें दिख रही है। और हम चाहते हैं कि इसमें विजिलेंस होनी चाहिए इस पंचायत में, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें CBI जांच भी हो, ताकि इन्होंने जितना पैसा, जितना घोटाला किया है, उस घोटाले का
सप्ताह में एक एक रुपए का हिसाब इस पंचायत में चाहिए। जितना भी इन्होंने ये घोटाला किया है उसका हिसाब होना चाहिए। आपकी डिमांड क्या है? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि इस पंचायत में एक तो विजिलेंस होना चाहिए, दूसरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पंचायत को डिसॉल्व करना चाहिए और जो इस पंचायत का जो अकाउंट है वो सीज होना चाहिए क्योंकि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों का जो है हक छीना जा रहे हैं। और आपको बता दूं मैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था फैसला कि हर गांव में घर होने चाहिए जो गरीब परिवार हैं, लेकिन मेरे साथ माताएं बहनें हैं जो विधवा हैं, कुछ विधवाएं भी हैं जिनको घर नहीं है आज तक, ना उनके आज तक किसी ने उनको नहीं पूछा कि उनके घर में क्या क्या परेशानियां क्या क्या दिखते हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं सारी पब्लिक की तरफ से आपसे अपील करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पंचायत को जल्दी से जल्दी वेरीफाई किया जाए, यहां पे इंक्वायरी बिठाई जाए और यहां पे मैं चाहता हूं किसी भी जांच हो ताकि यहां पे एक एक रुपए का हिसाब जो है लोगों के सामने आए। और यहां पर जो सड़कें निकली हैं 2.5 लाख रुपए वहां उन्होंने पैसा निकाल कर खा लिया, 1.5 लाख निकाल कर खा लिया, मगर ग्राउंड में वो वर्क नहीं है। हमें बहुत दुख से ये बात करनी पड़ रही है, इसलिए हमने मीटिंग रखी थी आज कि सरपंच साहब आए, सेक्रेटरी आए और वीडियो आए, चेयरमैन आए, उन्होंने कहा कि किस तारीख को आएंगे, 10 बजे जनता यहाँ किटी थी और उस वक्त पता लगा कि न जी सरपंच साहब ने फोन किया कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं पहुँच सकती हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट जिस दिन था उस दिन भी वो बीमार और आज भी वो बीमार बहाना लगाकर डोडा में बैठी है। यहाँ कोई भी प्लान बन रहा है डोडा में बैठकर बन रहा है, कोई ग्राम सभा नहीं होती है, कोई मेंबर सभा नहीं होती है, ना यहाँ कोई किसी को पूछ रहा है। इतनी अंधेरगर्दी हो गई है, इतना गुंडा राज हो गया है, ना वीडियो सुन रहा है, ना चेयरमैन सुन रहा है और ना ही डीसी तक हमारी आवाज़ गई, मगर डीसी साहब ने कोई आवाज़ आज तक नहीं सुनी होगी कि सुनी है मगर एक्शन नहीं लिया। हमें बहुत दुख के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है। डोडा से डर्ट न्यूज के लिए इरफान मलिक की रिपोर्ट।